हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे एग्ज़ाम स्पेशल स्टैटिक जीके में, स्टैटिक जीके के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम बात करेंगे प्रमुख वचन व नारे। दोस्तों, प्रमुख वचन व नारे से रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले हैं और आज हम इसके टॉप 45 मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन यहां पर कवर करेंगे। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा जो इन व्यक्तियों से संबंधित हैं जिन्हें आप थंबनेल पर देख रहे होंगे। ये वीडियो आने वाले समय के लिए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा रेलवे की परीक्षाओं के लिए। इससे पहले हमने स्टैटिक का और भी वीडियो रखे हैं, यानी कि डाले हैं। यदि आपने वे नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा इसका। याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनको नेताजी कहते हैं, उपनाम है इनका, और ये उपाधि एक तरह की नेताजी की, और ये ने एडोल्फ हिटलर ने दी थी, ठीक है। किसने दी थी? एडोल्फ हिटलर ने। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो देखिए, जय हिंद का नारा, इस नारे को भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा दिया गया नारा है ये जय हिंद, और ये दोनों ही एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुए हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, करो या मरो का नारा, तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था इन्होंने ये, 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में एक बैठक हुई थी, उस दौरान इन्होंने इसको दिया था। कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला नारा है, एक वचन है आप कह सकते हैं, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, किसका नारा है? मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये नारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का, ठीक है। देखिए, पंडित जवाहरलाल जी का जन्मदिन, यानी कि इनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था, इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में, इलाहाबाद में, और अब इलाहाबाद को हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ याद रखना दोस्तों, इनकी एक पुस्तक है पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जो कि एग्ज़ाम में कई बार रिपीट होती है, जिसका नाम है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया? इम्पोर्टेंट है, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था दोस्तों भगत सिंह जी ने, ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। देखो, भगत सिंह सुखदेव याद रखना ये नाम, और राजगुरु, इन तीनों व्यक्तियों को फांसी कब दी गई थी, ये क्वेश्चन कई बार बनता है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा दिया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने दिया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो का नारा ये दिया था दोस्तों, भारत छोड़ो का नारा दोस्तों इसको दिया है महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी से कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका, यानी कि साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, कौन? महात्मा गांधी। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले इनके गुरु थे, किसके? महात्मा गांधी के, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किसका है? ये नारा हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये नारा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। देखो, इन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता कहा जाता है, किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट नारा है, पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया? तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने।
मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह नारा किसका है? तो देखो ये नारा है महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, हु लिव्स इंडिया डाइज, नारा किसने दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु लिव्स इंडिया डाइज, ये नारा दिया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला नारा है, हे राम, हे राम का नारा किसने दिया? तो हे राम का नारा दिया था दोस्तों महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अगला नारा है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, मारो फिरंगी को, ये शब्द किसके हैं? तो मारो फिरंगी को ये शब्द हैं दोस्तों मंगल पांडे के, ऑप्शन सी मंगल पांडे। देखो मंगल पांडे का जन्म पूछ लेता है कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश में। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो 8 अप्रैल, इनकी फांसी पूछी जाती है एग्ज़ाम में, मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 में, ठीक है। तो सिपाही विद्रोह जो कि मेरठ से शुरू हुआ था 10 मई को, तो उसके सूत्रधार यानी कि इन्होंने ही पहली गोली वहाँ चलाई थी मंगल पांडे ने, ठीक है। चलो सत्यमेव जयते या फिर आप कह सकते हैं श्रमेव जयते किसका कथन है? सत्यमेव जयते या श्रमेव जयते ये कथन है दोस्तों इंदिरा गांधी जी का, ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। देखो इंदिरा गांधी याद रखना भारत की प्रथम यानी कि फर्स्ट प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, ये महिला प्रधानमंत्री थी पीएम, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कई बार लाल बहादुर शास्त्री से, देखो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर। तो क्वेश्चन बनता है कि 2 अक्टूबर को एक और व्यक्ति का जन्म हुआ था, वो व्यक्ति कौन है? तो लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, इनको याद रखना आप। और साथ ही साथ लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो विजय घाट इनका समाधि स्थल है। कर मत दो का नारा किसने दिया? इम्पोर्टेंट है नारा ये, कर मत दो का नारा दिया दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा आप जानते हैं लोह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? लोह पुरुष किसको कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही लोह पुरुष कहते हैं। संपूर्ण क्रांति किसका नारा है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये दिया था दोस्तों जेपी नारायण ने, ठीक है, जेपी नारायण। दोस्तों जेपी नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकनायक किसको कहते हैं, तो जेपी नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वंदे मातरम किसका नारा है? तो वंदे मातरम ये नारा है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी का, ऑप्शन सी राइट आंसर है। और ये इनके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, ठीक है, आनंद मठ से लिया गया है ये। और ये इसको किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। जनगण मन का नारा किसने दिया? सही आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। दोस्तों जनगण मन को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी याद रखना इम्पोर्टेंट है ये फैक्ट, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, ठीक है, राष्ट्रगान के रूप में। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये नारा किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए श्याम लाल गुप्त, ठीक है, श्याम लाल गुप्त है, गुप्ता नहीं है ये, श्याम लाल गुप्त। अब देखो श्याम लाल गुप्त इनका उपनाम नहीं है यार दोस्तों, यानी कि इनका उपनाम नहीं है किसी भी एनसीईआरटी की बुक में, आपको इनका नाम नहीं मिलेगा, लेकिन इन ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे और पत्रकार थे। साथ ही साथ इन्हें पार्षद जी के नाम से पूछा जाता कहा जाता है किताबों में, इनका नाम पार्षद जी, कई बार एग्जाम में आया कि पार्षद जी के नाम से किसको जाना जाता है? श्यामलाल गुप्त, ठीक है, श्यामलाल गुप्त। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसका है? इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो इसका ये है आपका बाल गंगाधर तिलक जी का, ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार। देखो बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है, लोकमान्य के नाम से इनको जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। और इनका जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, कहाँ? रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा किसका है? इम्पोर्टेंट है, सही आंसर है ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। देखो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, और ये मैनपुरी षड्यंत्र, ध्यान रखना मैनपुरी
षड्यंत्र, मेनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड, काकोरी कांड में ये शामिल थे और ब्रिटिश सरकार ने इन्हें 30 वर्ष की आयु में फांसी दे दी थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा किसका है, इम्पोर्टेंट है। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा है मोहम्मद इकबाल का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसका है, इम्पोर्टेंट है। सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया था दोस्तों लाला लाजपत राय ने, ठीक है। देखो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, पंजाब केसरी कहते हैं इनको, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहते हैं। और साथ ही साथ जब ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे तो इनके सर पर लाठी पड़ी थी, ठीक है, इसी दौरान इनको लाठी पड़ी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और याद रखना ये गरम दल के नेता थे, कौन, लाला लाजपत राय, गरम दल के नेता थे, इस बात को याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। देश की पूजा ही राम की पूजा है, नारा किसका है, इम्पोर्टेंट है। तो देश की पूजा ही राम की पूजा है, ये शब्द हैं दोस्तों मदन लाल ढींगरा के। देखो ब्रिटिश अधिकारी करजन बाइली, याद रखना करजन वाइली, वाइली, करजन वाइली को गोली मार दी थी इन्होंने, ठीक है, गोली मार दी थी इन्होंने, किसने, मदन लाल ढींगरा ने। काम अधिक बातें कम किसका नारा है, इम्पोर्टेंट है। काम अधिक बातें कम, तो यह है संजय गांधी का नारा। अगला है देश बचाओ देश बनाओ का नारा किसने दिया, तो देश बचाओ देश बनाओ का नारा दिया था पी वी नरसिम्हा राव ने, ठीक है, पी वी नरसिम्हा राव ने। कश्मीर चलो का नारा किसने दिया, कश्मीर चलो का नारा दिया था दोस्तों डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने, ठीक है, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। दास्ता के हलवे से आज़ादी के सूखे चने कई अच्छे, यह कथन किसका है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कथन है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का। मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की, यह नारा किसने दिया था, सही आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। देखो अब्दुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इस बात को मत भूलना, याद रखना, ठीक है, भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी में आपको दिख रहा होगा ये नाम, 1952 की प्रथम जो कैबिनेट बनी थी उसमें। मेरे सर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन की में कील सिद्ध होगी, यह कथन किसका है, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया है। राइट आंसर है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय यानी कि पंजाब केसरी जिनको हम कहते हैं, और ये साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे उसी समय ये लाठी पड़ी थी। भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसका है, तो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा है आर्य समाज का, ठीक है। अच्छा आर्य समाज इसको इसकी स्थापना है किसके संस्थापक कौन थे, तो दयानंद सरस्वती, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो किसका नारा है, बैक टू वेदास, ग्रुप डी में पूछा गया था इसको ऐसे BAC बैक टू वेदास इस प्रकार से लिख दिया था एग्जामिनर ने, तो वेदों की ओर लौटो, यही हिंदी का मतलब है इसमें, तो इसका सही आंसर है दयानंद सरस्वती का है ये नारा, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, राइट आंसर है भगत सिंह। अगला है जय जगत का नारा किसने दिया, तो जय जगत का नारा दिया था आचार्य विनोबा भावे ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया, इम्पोर्टेंट है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और अभी करंट में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आने वाले समय में जो चल रहे हैं वहाँ पर इनकी समाधि पूछी जा रही है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि जो है ना उसका नाम है सदैव अटल, ठीक है, सदैव अटल। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, ये किसका कथन है, तो सही आंसर है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के शब्द हैं ये, भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा। पाकिस्तान का निर्माता जिन्ना या मोहम्मद इकबाल नहीं बल्कि लॉर्ड मिंटो था, यह कथन किसका है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? ये भी इम्पोर्टेंट है, नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिक, यह कथन किसका है? तो ये कथन है मोहम्मद इकबाल का। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, यह कथन किसका है? राइट आंसर है सी आर दास, यानी कि चित्रंजन दास। ठीक है, चित्रंजन दास। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, यह कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का। किसका? महात्मा गांधी का। भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा, यह कथन किसका था? सही आंसर है लॉर्ड एलिंगन। ठीक है, ऑप्शन सी लॉर्ड एलिंगन। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण गुरु द्वारा दिया गया? श्री नारायण गुरु द्वारा कौन सा नारा दिया गया? तो यह है मानवता की एक जाति एक धर्म एक ईश्वर, ये नारा इन्हीं का नारा है। किसका? श्री नारायण गुरु।